द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन हॉलो ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट एन एक्सिस। ठीक है भैया, यानी रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो बताना है, एक बार सॉलिड स्फीयर का लेना है, एक बार हॉलो स्फीयर का लेना है। तो आपको मैंने ये चीज बताया हूँ जी, आया हूँ मैं आपको ऐसे हॉलो स्फीयर ले रहा हूँ और ये सॉलिड स्फीयर ले रहा हूँ। इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका ये सेंटर यहाँ मान ले रहे हैं, इसका रेडियस और मास एम है, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस और मास एम है। इसका जो आई निकाले थे तो ये था हमारा 2/3 एम आर स्क्वायर, इसका आई जो था वो कितना था जी 2/5 एम आर स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए इसको मैं मान लेता हूँ एम के वन स्क्वायर और इसको मैं मान लेता हूँ आई इक्वल टू एम के टू स्क्वायर। वैसे लोग ऐसे पढ़ते हैं आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है, तो k की वैल्यू रूट में आई डिवाइडेड बाई एम, फिर जो आई है निकाल के यहाँ पुट करते हैं। मेरी बात समझे, मैं इतना माथा एम के वन का स्क्वायर कितना है 2/3 एम आर स्क्वायर, मेरी बात समझे। तो ये m से m कट जाएगा तो k वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 आर स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ भी करो जी, एम के टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, m से m कट गया तो k टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई जी 2/5 आर स्क्वायर। K1 अपॉन K2 पूछ रहा तो ऐसे डिवाइड कर दो, K1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 स्क्वायर। इसमें सॉलिड स्फीयर से किसका पूछा है, हॉलो स्फीयर का, ध्यान रखे ना। मतलब अब मैं K1 K2 मान लिया हूँ तो अब तो उल्टा मानना पड़ेगा, यानी पूछा क्या है K2 अपॉन K1, मैं नाम ही गलत मान लिया हूँ, अब क्या मैं मेहनत करूँ दोबारा। इसको इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा सॉलिड स्फीयर का उसका डिवाइड करना है नीचे क्या रहेगा हॉलो स्फीयर का, ठीक है। तो ये कितना है जी 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर ले रहा हूँ, देख रहे हो एम कैंसिल करो 2/5 आर स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है 2/3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इसको लिखो 2/5 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर है ध्यान रखे रहना। तो इसको के टू अपॉन के वन करोगे तो इधर कितना हो जाएगा रूट में 3/5, यानी रूट में 3/5 इसमें कोई भी नहीं है, समझे कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने इसमें अपडेट कर लिया होगा अपनी मर्जी से, ये सॉलिड माना होगा एक को और एक को हॉलो माना होगा, समझे। इसका जब इसे रेशियो डिवाइड किया होगा तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अब मैं के वन मान लेता हूँ, यहाँ पर के टू मान लेता हूँ, तो जब इन्होंने के वन अपॉन के टू किया होगा तो ये जो आ रहा है अपना क्या 3/5 आ रहा है रूट में, तो हो सकता है स्क्वायर करके मान लिया हो, जो भी मान लिया हो। इसमें आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा फिलहाल, मतलब आंसर जो आएगा इसका रेशियो का रूट में, ये ध्यान रखे रहना, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा।